किस तरह से दुनिया के अंदर ये दो भाई बनकर के, दो भाई, एक कांग्रेस वाला, एक बीजेपी वाला, एक अंदर से लूटता है, एक बाहर से लूटता है, तो भैया उसको रोकने के लिए हम भी क्यों ना दो भाई बन जाएं। एक भाई तो हमारा बहन मायावती जी है, दूसरा भाई हम क्यों ना यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसा तैयार कर दे जो अल्टरनेट, जैसे वो लोग बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, ऐसा अल्टरनेट हमारे पास भी हो जाए। तो मैं छोटा यही कहूंगा कि हम सब मिल करके, और दिल्ली के अंदर जब हमारे जब जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे ऐसे भानु प्रताप जी, हजारों भानु प्रताप जी हमारे साथ में हैं, ऐसे ऐसे बुद्धि जी जब हमारे साथ में हैं, अगर मिलकर के इस टारगेट को हम लेकर चलेंगे तो दिल दूर नहीं है, न सड़क से दिल्ली दूर होगी और न ही संसद दूर होगी। क्या बात। और ऐसा मुहिम लेके चलेंगे जब हम एक टारगेट है, बिल्कुल सही हमारे डॉक्टर देशराज जी ने बिल्कुल सही टारगेट किया है, जब राष्ट्र के टारगेट में बिंदु में जब दिल्ली है, दिल्ली से ही सारी राजनीति चलती है, दिल्ली से ही सारे कार्यक्रम चलता है। अरे छोटा क्षेत्र होने के लिए यहाँ अगर ये टारगेट हमने कर लिया अचीव, तो हमारा पूरे देश के ऊपर प्रभाव डल सकता है और हम एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सभी, जैसे हमारे साथियों ने भी पुराना चंद्रबाबू, मैं एक भारत सरकार अधिकारी के रूप में रहा हूँ, मैंने इतना ये वो सामाजिक वो है, लेकिन ऐसी बात नहीं, चसक कसक मेरे भी हुई है भाई। मैं आप लोगों के साथ मिलकर के, इसके फ्रंट के साथ मिलकर के, एलडीएफ के साथ मिलकर, या जो नया संगठन जो तैयार हो रहा है उसके साथ मिलकर के, तन मन धन से जितना टाइम होगा और जितना मेरा देश विदेश का एक्सपीरियंस रहा है, मृत्युशैया पर जाने से पहले मैं अपने बहुजन समाज के लिए, आपके लिए शेयर करके जाऊंगा। और मैं तो अभी आपसे प्रार्थना यही कर सकता हूं, क्योंकि बगैर पार्टी के भैया वो जो चाबी है ना, वो ताले की चाबी बगैर पार्टी के नहीं मिल सकती है। उस ताला ऐसा मजबूत करो, चाबी भी अपनी हो, ताला भी अपना हो। और बाकी आप ऐसा ना करो, भिखारी मत बनो, आप टिकट लेने वाले नहीं, टिकट देने वाले बनो इस देश के अंदर। और वो दिन दूर नहीं है जब हम एक रे 11 होकर चलेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। और हमने एक दूसरे साथी के साथ उसका भी मान सम्मान करना चाहिए और हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए आपस में मिलकर के। एक रे 11 होते हैं, जब इस कदम के साथ हम दिल्ली के अंदर एक रोल मॉडल, एक तरह से पार्टी बना देंगे, सारे देश के अंदर मैसेज जाएगा। और मेरा एक छोटा सुझाव है, पहले ये जो फार्मूला ना दिल्ली में लागू करो, फिर हर स्टेट में लागू करो, डिस्ट्रिक्ट में अपने इस तरह के अलायंस तैयार करो। अलायंस और दोनों पार्टियां अगर मिलकर के आगे बढ़ेंगी तो भैया देखो, जो 15% हमारे 85% को 15% बेकूफ बना करके आनंद ले रहे हैं और हमारे को वही दूल्हे कुचले समझते हैं। तो भाई दूल्हे कुचली भाषा को छोड़ करके, एक इकट्ठे होकर के आपस में सभी भाइयों का मान सम्मान करते हुए उन लक्ष्य को समझो, एकजुट होकर के आगे कदम बढ़ाओ, तो दिन दूर नहीं है अब हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत।